साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए पैंतरे आजमा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनजागृति से लोग सावधान भी है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया। क्या है ये पूरा मामला, ये जानते हैं। कामगार नगर निवासी शकील अहमद के घर जनवरी को स्पीड पोस्ट से एक लिफाफा आया। लिफाफा खोलने पर अमेजोन कंपनी के एक लेटर हेड पर एक पत्र मिला, जिसमें जानकारी दी गई थी कि कंपनी अपनी 8वीं वर्षगांठ मना रही है, अपने ग्राहकों को स्क्रैच कूपन द्वारा इनाम बांटा है। शकील ने कूपन स्क्रैच किया तो 7,50,000 रुपए इनाम लगने का पता चला। लेटर पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन का एक वेबिनार देखा था, जिसमें इस प्रकार ठगी के बारे में जनजागृति की थी। शकील को सारा माजरा समझ आ गया, फिर भी नया फंडा जानने के लिए उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले ने उनसे कूपन का कोड पूछा और 7,50,000 का इनाम लगने की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में रकम उनके खाते में जमा हो जाएगी कहकर बैंक खाते का नंबर लिया। शकील ने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना देते हुए दूसरे नंबर से कॉल किया था। 10 मिनट बाद उसी नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें बैंक खाते में राशि जमा होने की जानकारी दी गई थी। बाद में बताया गया कि सर्विस टैक्स के तौर पर 7,500 रुपए जमा करने पर ही राशि खाते में जमा होगी। इसके लिए खाता नंबर भी दिया गया, लेकिन शकील पहले ही इस तरह की ठगी से अवगत थे और शिकार होने से बच गए। नहीं, मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुई, धोखाधड़ी से मैं बच गया हूँ, क्योंकि पुलिस की काफ़ी मीटिंग है, उनके जो पुलिस ने जो दिया था समाचार माध्यम से, तो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं तो बच गया हूँ। लेकिन लोगों से मेरी अपील है और न्यूज मीडिया कर्मियों से भी अपील है कि इस खबर को जन जागरूकता के उद्देश्य से। कैसे हो, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई, ये कोई बताइए। हाँ, घटना ये हुई है कि मुझे 8 तारीख को एक पोस्ट द्वारा पत्र मिला, जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र मिला, और उसमें जब उस पत्र को मैंने खोला तो उस पत्र के अंदर एक अमेजोन के नाम से एक प्रिंटेड एक पेपर निकला और एक कूपन निकली, और उसमें लिखा हुआ था कि आप ये कूपन को स्क्रैच करें तो इसमें आपको इनाम मिला जाएगा। तो 7,50,000 रुपये का प्राइज मुझे विनर बताया गया इस कूपन के अंदर। आम्ही दरवेळी लोकांमध्ये जाऊन जनजागृतीचे कार्यक्रम करतो आणि याचाच एक फायदा आम्हाला आज ऐकायला मिळालेला आहे। एक कामगार नगर इथे राहणारे इसम आहेत, त्यांनी आम्हाला फोन केलेला होता की आम्हाला एक पत्र आलेलं आहे घरी आणि मोठ्या कंपनीच्या नावाने आलेलं आहे आणि तुम्हाला 7,500,000 रुपये बक्षीस लागलेलं आहे असं त्यावरती लिहिलेलं आहे। ह्या प्रकारचा मॅटर होता आणि त्यांनी सांगितलं की हा एक फ्रॉड आहे, हे मी समजलं आपल्या भाषण ऐकल्यामुळे वगैरे, आणि त्यांनी ती गोष्ट आम्हाला सांगितली। तर आम्हाला हे सांगायचं आहे की अशा प्रकारचे फ्रॉड होऊ शकतात आणि होत आहेत, की एखाद्या घरी एखादं पत्र येतं आणि त्या पत्रावर एखाद्या मोठ्या कंपनीचं नाव असतं, ती कंपनी आपल्याला कदाचित म्हणू शकते की आपण एखादी गाडी जिंकलेली आहे किंवा 1 किलो सोन्याची बार जिंकलेली आहे किंवा कोणती एखादी महागडी वस्तू जसे की लॅपटॉप आहे किंवा एखादा महागडा फोन आहे असा तुम्हाला जिंकलेला मॅसेज येऊ शकतो। हा मॅसेज ऑनलाईन येऊ शकतो किंवा ऑफलाईन आपल्याकडे एखादं पत्र येऊ शकतं आणि या पत्रामध्ये एक मोबाईल नंबर दिलेला असतो आणि तो मोबाईल नंबर जो आहे तो मोबाईल नंबर हा ज्यावेळी आपण डायल कराल त्यावेळी तिकडून मधुर सुरुवात होईल आणि सांगण्यात येईल की लवकरात लवकर तुम्हाला एक अमुक टॅक्स भरायचा आहे। सायबर विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के मामलों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।